हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक आपका स्वागत करता हूँ आपके और मेरे अपने यूट्यूब चैनल डीजी नॉलेज हब में। आज मैं आपके लिए यूलाइक मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 12 के सॉल्यूशंस लेकर आया हूँ। इस पेपर की पीडीएफ लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाली हुई है, तो आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, आपको इसमें साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू अगर 1 गिवन है तो आपको फाइंड आउट करना है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस 4 की पावर थीटा। हम यहाँ से लिखेंगे इफ साइन थीटा इक्वल्स साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1। तो यहाँ पे वैल्यू 1 के बराबर गिवन है, तो हम यहाँ से कर सकते हैं साइन थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यू नो इट इज कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि बच्चों कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है। और अगर यहाँ से हम 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को इस तरफ ले जाते हैं साइन स्क्वायर थीटा की टर्म को, तो ये कॉस स्क्वायर थीटा ही आ जाएगा। तो यहाँ से एक हमें रिजल्ट मिला कि साइन थीटा बराबर हो जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर थीटा। पुट दीज वैल्यूज वी गेट, हम इन वैल्यूज को ले जाकर अपने क्वेश्चन में रख देंगे, जैसे कि यहाँ पर है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस 4 की पावर में थीटा। देखिए यहाँ पर तो कोई चेंजेस नहीं करेंगे, यहाँ तो ऐसे ही लिख देंगे, लेकिन कॉस 4 की पावर थीटा को लिखा जा सकता है कॉस स्क्वायर थीटा का भी स्क्वायर। ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, तो कॉस स्क्वायर थीटा की जगह हम यहाँ पे ये वैल्यूज लिख देते हैं साइन थीटा की, तो ये हो जाएगा साइन थीटा और इस पूरे की पावर में स्क्वायर है, तो ये बनेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का साइन स्क्वायर थीटा। और इसकी वैल्यू हमें पता है ये 1 के बराबर होती है। तो बच्चों यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन में कहता है कि पी ए एंड पी बी आर टेंजेंट्स, एंगल ए पी बी आपको 50 डिग्री दिया है और आपको एंगल निकालना है ओ ए बी, यानी कि ये एंगल आपको यहाँ से फाइंड आउट करना है। देखिए अच्छा, आपने एक थ्योरम पढ़ी होगी, या हम ये कहें कि एक क्वेश्चन था जिसमें आपको इसका सीधा सीधा रिजल्ट था कि एंगल ओ ए बी बराबर हो जाएगा हाफ ऑफ एंगल ए पी बी के। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो वी नो डैट वी नो एंगल ओ ए बी बराबर हाफ ऑफ एंगल ए पी बी, तो यहाँ पर आएगा 1/2 इंटू का 50 डिग्री, ऐसे आप काटोगे ये हो जाएगा आपका 25 डिग्री। तो एंगल ओ ए बी डायरेक्ट रिजल्ट निकल कर आता है बच्चों 25 डिग्री, यही बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगर आपको ऐसे नहीं करना तो देखिए यहाँ पे कंस्ट्रक्शन, यहाँ टेंजेंट है, तो ये टोटल एंगल आपको 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये एंगल भी यहाँ पर 90 डिग्री हो जाएगा। आप देख सकते हो कि टोटल ये पी ए ओ बी एक क्वाड्रिलेटरल है, और अगर ये क्वाड्रिलेटरल है तो चारों एंगल्स का सम 360 डिग्री होगा। तो देखिए यहाँ जो ये वाला एंगल निकल कर आएगा 90 प्लस 90 180, और इसे हम इसमें जोड़ देंगे 230 आएगा। तो ये एंगल यानी एंगल ओ ये आपका बनेगा 130 डिग्री। और बच्चों ये 130 डिग्री है, तो देखिए ओ ए भी रेडियस है और ओ बी भी रेडियस है। तो अगर मैं इस तरीके से करता तो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ता पहले एंगल ए ओ बी, जो कि हम फाइंड आउट करेंगे चारों एंगल का सम निकाल के, तो ये हमारा 130 डिग्री आ जाएगा। अब हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ए ओ बी, तो ए ओ बी में ए ओ एंड ओ बी हमारा रेडियस है, तो ये मैं लिख देते हैं रेडियाई ऑफ अ सर्कल, रेडियाई हो जाएगा हमारे सर्कल का। तो एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ओ ए बी प्लस एंगल ओ बी ए, इन तीनों को जोड़ के 180 डिग्री आएगा, क्योंकि अच्छा ये ओ ए बराबर ओ बी है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एंगल और ये एंगल भी बराबर हो जाएगा बाय आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी। एंगल ए ओ बी की वैल्यू 130 डिग्री गिवन है, प्लस 2 टाइम्स ऑफ एंगल ओ ए बी बराबर का 180 डिग्री। हम इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो आप देख लीजिएगा कि यहाँ से भी ओ ए बी एंगल की वैल्यू 25 डिग्री ही निकल कर आएगी। तो आप डायरेक्ट रिजल्ट यूज़ करोगे तो आपको सीधे सीधे वैल्यू मिल जाएगी, नहीं तो आप सिंपल इस तरीके से भी कर सकते हो। अच्छा, थर्ड क्वेश्चन कहता है कि फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर 5 प्लस रूट 3 और 5 माइनस रूट 3। यहाँ पर पहले ही आपको अल्फा और बीटा की वैल्यूज गिवन है। हेयर अल्फा इज योर 5 प्लस रूट 3 एंड बीटा इज योर 5 माइनस रूट 3। हम यहाँ से सम ऑफ दी जीरोज निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे सम ऑफ दी जीरोज। तो बच्चों ये सम ऑफ दी जीरोज यानी कि अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा,
अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पुट करेंगे तो 5 प्लस रूट 3 प्लस 5 माइनस रूट 3, रूट 3 से रूट 3 कट जाएगा, ये आएगा आपका 10। इसी तरीके से बच्चों अगर मैं यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ दी जीरोज निकाल लूँ तो प्रोडक्ट ऑफ दी जीरोज जो कि होता है हमारा अल्फा इंटू का बीटा, यानी अगर मैं इन नंबर्स की मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये देखिए ए प्लस बी की आइडेंटिटी और ए माइनस बी की आइडेंटिटी बन रही है, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 5 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ 25 आएगा, माइनस रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू बनेगी 25 माइनस का 3 डेट इज़ योर 22। हम जनरल इक्वेशन जानते हैं, किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जनरल इक्वेशन होती है के ब्रैकेट, बच्चे ये के कॉन्स्टेंट होता है तो इसका ध्यान रखिएगा कि आपको लगाना है एक्स स्क्वायर माइनस का सम ऑफ दी जीरोस, तो यहाँ पे सम ऑफ दी जीरो यानी अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस का अल्फा बीटा, यहाँ भी ध्यान रखना बच्चों यहाँ पे माइनस का सिंबल आएगा, तो ये बनेगा आपका के ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ दी जीरोस, देखिए हमारा 10 निकल कर आया था, ये हमारा सम ऑफ दी जीरोस है तो यहाँ पे लिख देंगे 10x प्लस अल्फा बीटा, ये जो हमारा प्रोडक्ट ऑफ दी जीरोस है ये हमारा 22 निकल के आया है तो यहाँ पे हम लिख देंगे 22। अच्छा यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अच्छा फोर्थ क्वेश्चन में कहता है कि के की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है यदि इसमें सम ऑफ दी रूट्स बराबर प्रोडक्ट ऑफ दी रूट्स गिवन है। ये बच्चों इसमें सम ऑफ दी रूट्स, अगर मैं बात करूँ सम ऑफ दी रूट्स तो हम अल्फा और बीटा को अपने रूट मान लेते हैं, तो सम ऑफ दी रूट्स होता है हमारा सम ऑफ दी रूट्स अल्फा प्लस बीटा बराबर आएगा माइनस बी बाय ए, कोफिशिएंट से हम कंपैरिजन करते हैं तो। इसी तरीके से बच्चों प्रोडक्ट ऑफ दी जीरोस यानी कि प्रोडक्ट ऑफ दी रूट्स ये हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा और इसकी वैल्यू होती है हमारी सी बाय ए के बराबर। क्वेश्चन में यह मेंशन है कि सम ऑफ दी रूट्स जो है वो प्रोडक्ट ऑफ दी रूट्स के बराबर है, यानी कि माइनस बी बाय ए ये बराबर है सी बाय ए के। देखिए अगर ये ए और ये यहाँ पे सेम है तो इसका मतलब माइनस बी की वैल्यू भी सी के बराबर होगी। हम यहाँ से पुट कर देते हैं माइनस का 2 टाइम्स के प्लस का 1 अपॉन 3 इक्वल्स माइनस का के प्लस का 4 अपॉन 3। देखिए 3 से ये 3 कट जाएगा, ये माइनस सिंबल से ये माइनस साइन यहाँ से भी हट जाएगा क्योंकि अच्छा ये जो माइनस था ये पूरे के साथ में माइनस है। अब देखिए यहाँ से वैल्यू निकल के आएगी 2k प्लस 1 इक्वल्स के प्लस 4, के को इस साइड ले जाएंगे तो यहाँ पर वैल्यू बनेगी आपकी 3 और k की वैल्यू यहाँ से आएगी आपकी 3। अच्छा यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अच्छा फिफ्थ क्वेश्चन कहता है कि एचसीएफ 145 है किसी दो नंबर का और उन दो नंबर का एलसीएम 2175 है। आपको फर्स्ट नंबर गिवन है और आपको सेकंड नंबर की वैल्यू पूछी है तो लेट कर लेते हैं, लेट आर सेकंड नंबर बी, लेट आर सेकंड नंबर बी एक्स, वी नो द रिजल्ट, वी नो एचसीएफ इनटू एलसीएम इक्वल्स होता है बच्चों प्रोडक्ट ऑफ दीज टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ दीज टू नंबर्स। हम देखिए हमारे नंबर्स क्या थे और एचसीएफ एलसीएम क्या है, 145 इंटू 2175 इक्वल्स प्रोडक्ट ऑफ दीज टू नंबर, एक नंबर तो हमें गिवन है 725, सेकंड नंबर हमने x मान लिया तो मुझे इस x की वैल्यू निकालनी है तो इसे दूसरी साइड ले जाएंगे अपॉन 725 इक्वल्स का x। बच्चों ध्यान से देखिए यहाँ 7 है और यहाँ पर 21 है, 7 थ्री जा 21 होता है और 25 थ्री जा 75 थी, यानी कि ये पूरी तरीके से इससे कट जाएगा। अब बच्चों मल्टीप्लाई करिए, 100 थ्री जा 300 होता है और 45 थ्री जा 135 होता है। बच्चों कुछ टेबल्स आपको अच्छे से याद करनी पड़ेगी ताकि आप कैलकुलेशन को जल्दी से जल्दी सॉल्व आउट कर सको। तो यहाँ ये जो वैल्यू बन के आएगी ये आएगी आपकी 300 प्लस 135, फर्दर आप इन दोनों को जोड़ोगे तो आप 435 लिखोगे। ये पेपर में बच्चों ये लिख के नहीं आना है, आपको डायरेक्टली 435 रिजल्ट लिखना है तो हम यहाँ पे लिख देंगे। सो आर सेकंड नंबर विल बी, सो आर सेकंड नंबर इज 435। बच्चों यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अच्छा सिक्स्थ क्वेश्चन कहता है कि एक पॉइंट ए है ऑन वाई एक्सिस जो कि वाई एक्सिस पर है जिसकी दूरी 4 यूनिट दे रखी है फ्रॉम ओरिजिन। अच्छा ओरिजिन बोलते हैं इस पॉइंट को जो कि हमारा बिल्कुल सेंटर में होता है जहाँ से एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आपस में इंटरसेक्ट करती हैं।
पॉइंट ए जो है ये हमारा वाई एक्सिस पर है, 4 यूनिट की दूरी पर है ओरिजिन से, अच्छा ओरिजिन से 4 यूनिट की दूरी पर यहाँ भी हो सकता है और ये नीचे की तरफ भी हो सकता है। पॉइंट बी जो है वो माइनस का 3/3,0, तो पॉइंट बी की वैल्यू तो फिक्स है, यहाँ पर पॉइंट बी आपका आएगा। और हमसे लेंथ पूछी है ए बी की, अगर मैं इस पॉइंट को यहाँ पे मार्क कर देता हूँ तो देखिए हमें ये लेंथ फाइंड आउट करनी है, ये ए बी। बच्चों ध्यान से देखें तो ये कि राइट एंगल ट्रायंगल बनना है, आप यहाँ से राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी के हिसाब से वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो यहाँ पाइथागोरियन ट्रिपलेट बनना है। बच्चों यहाँ पाइथागोरियन ट्रिपलेट बनना है तो आंसर तो यहाँ से क्लियर क्लियर पता चल रहा है, ये 3 है ये 4 है, तो ये आपका 5 वैल्यू ही आने वाली है। लेकिन अगर मैं इसमें 5 वैल्यू इस तरीके से नहीं निकालूंगा, मैं जो यहाँ पे पॉइंट ही मेंशन करने पड़ेंगे, तो हम लिखेंगे लेट पॉइंट ए बी, पॉइंट ए वाई एक्सिस पर है जिसकी दूरी 4 यूनिट है, तो हम लिखेंगे पॉइंट ए कैन हैव वैल्यू 0.4 और 0, -4। देखिए बच्चों यहाँ पे 4 यूनिट डिस्टेंस मेंशन है, यहाँ पर ये मेंशन नहीं है कि अबोव द एक्स एक्सिस है या बिलो द एक्स एक्सिस, तो मुझे यहाँ पे दोनों ही वैल्यू लेनी पड़ेगी, जबकि बी की वैल्यू तो आपको फिक्स कर रखी है 3, -3,0। तो एक बार मैं इसमें 0.4 को वैल्यू लेकर सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको, ए बी है -3,0। अगर मैं यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगाता हूँ, इसे X1 इसे Y1 मान लीजिए, इसे X2 और इसे Y2 मान लीजिए, तो देखिए यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे ए बी में तो अंडर रूट ऑफ फॉर्मूला लिखना जरूरी होता है, तो मैं यहाँ फॉर्मूला लिख देता हूँ X2 - X1 का होल स्क्वायर + Y2 - Y1 का होल स्क्वायर। इसे फर्दर सॉल्व करेंगे यहाँ वैल्यू आएगी -3,0 - 0 का होल स्क्वायर + 0 - 4 का होल स्क्वायर। और जो देखिए यहाँ पे माइनस की वैल्यू है तो ये स्क्वायर होगा तो ये प्लस बन जाएगा, टोटल ये आएगा आपका 9 + 16 √25, और √25 को आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पर 5 यूनिट ही आपको वैल्यू मिलने वाली है। और अगर आप एक पॉइंट को 0, -4 रखते तो यहाँ पर ये वैल्यू प्लस का बन जाती, जबकि यहाँ पर कोई रिजल्ट में चेंज नहीं आएगा। तो आप दोनों ही वैल्यू शो करके दिखाइएगा और यहाँ पर भी इस तरीके से मेंशन कर दीजिएगा कि यहाँ पर भी एक पॉइंट -4 आ रहा है, क्योंकि हमें यहाँ पे वैल्यू मेंशन नहीं थी। तो बच्चों यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आपको आज का यह टॉपिक कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और आपको यदि मेरी यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज, हैव अ नाइस डे।